दिशा में बैठी हुई है। एक पेनल्टी वहीं से रखता हूं कि जब दो महिला फुर्सत के छड़ों में बैठती है तो क्या बातें करती है। पहली महिला दूसरी महिला से कह रही है अपने पति और घर संसार बच्चे के बारे में, पहली महिला दूसरी महिला से सोते बड़बड़ाए, सोते बड़बड़ाए, नाक भी बजाए, डर के मारे मुझको तो नींद आना, सोते बड़बड़ाए, नाक भी बजाए, डर के मारे मुझको तो नींद आना। दूजा मेरा बेटा जो के अभी छोटा है, क्या करूँ हाय सारी रात रोता है। बढ़िया बढ़िया, दूसरी महिला कह रही है अपनी आप बीती बता रही है, बहना मेरी भी है हालत बुरी, दिन रात को से सासू मेरी, बहना मेरी भी है हालत बुरी, दिन रात को से सासू मेरी, कान भरा करती है पतिदेव का वो तो सदा, कान भरा करती है पतिदेव का वो तो सदा, मेरा पति तो सासू जी का तोता है, मेरा पति तो सासू जी का तोता है, क्या करूँ हाय भाग मेरा हो रहा है। वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक बार मंच से इन श्रोताओं के लिए बहुत बढ़िया। ऐसे जमाने में जब बहू सास की नहीं सुन रही, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, आप लोग हमको सुनने के लिए बैठे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आसान नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक बार कुरुद ब्लॉक के ग्राम सेलदीप में को हास्य कवि विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त कवि गीतकार मीर अली साहब, हास्य पेरोडी यूसुफ सागर भिलाई, हास्य सागर श्री कृष्णा भारती नंदन, हास्य कवि ऋषि वर्मा वैगा धरसिवा से और श्रृंगार एवं हास्य कवि श्रीकांत मिश्रा चौधरी के द्वारा दिया गया। सभी वीडियो हमारे चैनल में लगातार आएंगे। आयोजनकर्ता ग्राम सेलदीप के समस्त युवा, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, लगातार आपको बहुत सारे कवियों का हास्य व्यंग सुनने को मिलेगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।